एवरीवन वेलकम बैक टू माय चैनल द सिंपल लाइफ। मैं रिशा, कैसे हो आप लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे। और अभी यहाँ 3:30 बज रहा है, बाहर देखिए अभी शाम हो रही है, मतलब 4 बजे तक एकदम अंधेरा हो जाता है, लेकिन अभी 3:30 ही बज रहा है, थोड़ा थोड़ा उजाला है। चार साढ़े चार होगा एकदम अंधेरा हो जाएगा। तो अभी चाय का टाइम हो गया था, चाय 4:30 के बाद ही मैं बनाती हूँ, लेकिन आज जल्दी खाना वाना हो गया था तो भूख लगी थी, तो कुछ नाश्ता बनाती हूँ अभी आप लोग के साथ, वो शेयर करूँगी क्योंकि मैं अक्सर वो बनाती हूँ, तो जब भी भूख लगती है शाम के टाइम चाय पे तो बहुत ही टेस्टी आता है, तो मुझे लगा आप लोग के साथ भी वो शेयर करती हूँ और साथ में बनाती हूँ चाय। और अपने वीडियो का स्टार्टिंग में अभी यहीं से शाम से ही कर रही हूँ, तो आगे जो जो भी करूँगी आप लोग के साथ शेयर करूँगी। फिलहाल अभी चलती हूँ किचन में, बनाती हूँ एक मज़ेदार नाश्ता। तो यहाँ मैंने ली है लाई और चूड़ा, दोनों मिक्स कर लिया है। थोड़े से ऑयल में मैंने गरम कर लिया था क्योंकि वो सीलन आ गई थी उसमें। और यहाँ मैं डाल रही हूँ मूंगफली और बारीक कटा हुआ प्याज, मिर्ची और धनिया की पत्ती। और उसके बाद मैंने डाला इसमें मस्टर्ड ऑयल, और उसके बाद मैं डाल रही हूँ थोड़ा सा नींबू और कोई भी नमकीन, जो भी नमकीन हो आप ले सकते हैं। उसके बाद मैंने थोड़ा सा चंकी चाट मसाला डाला है, और इसके बाद मैं डालूँगी नमक। और सब कुछ को एकदम बहुत थोड़ा थोड़ा डालिए, नमक तो बहुत ही कम डालिए क्योंकि नमकीन में भी नमक रहता है और चंकी चाट मसाला जो है उसमें भी नमक रहता है, और इसमें नमक बहुत कम पड़ता है नहीं तो तेज़ हो जाएगा। और ये मेरा नाश्ता शाम का रेडी हो गया है, शाम के नाश्ते के लिए ये परफेक्ट होता है। बहुत ही टेस्टी बना था, आप लोग भी ट्राई करिएगा उसको। और अब मैं बनाने जा रही हूँ चाय, क्योंकि पहले हम लोग बना के खा लिए आराम से, फिर उसके बाद मैं चाय बना रही हूँ। और आज रात में खाने में बना रही हूँ बिरयानी, तो फिर चावल मैं इसी टाइम डाल दूंगी, अभी चाय बनाते बनाते चावल भी एक साइड रखा दूंगी, उसके बाद जो भी करती हूँ आप लोग के साथ शेयर करती हूँ, फिर सब्जी वगैरह बाद में काटती हूँ चाय पीने के बाद में। फिर और यहाँ मेरी चाय में एक उबाल आ गई है, तो मैं अदरक डाल रही हूँ। आप अदरक एक उबाल आने के बाद ही अदरक डालिए, नहीं तो चाय फट जाती है। और चावल भी धो के रख ली हूँ, उसमें मैं थोड़ी डाली हूँ लौंग और दालचीनी और ऑलिव ऑयल डाल के मैं रख देती हूँ इसको कुक होने के लिए। चाय भी इधर मेरी पक रही है, और तब तक मैं सारी सब्जियाँ वगैरह फ्रिज से बाहर निकाल देती हूँ क्योंकि बहुत ठंडे रहते हैं, फिर उसको काटने में हाथ बहुत गलता है, तो मैं निकाल के रख देती हूँ। चाय वगैरह जब तक पियेंगे तब तक ये नॉर्मल आ जाएंगी, तो फिर उसके बाद में बनाती हूँ खाना। और अभी चाय पीती हूँ आराम से बैठ के। और यहाँ हो गई है शाम, और अब मैं चल रही हूँ किचन में खाना बनाने। 6:30-7 के करीब हो रहा है, और उसके पहले मैं पहन लेती हूँ सॉक्स क्योंकि पैर बहुत ही ज़्यादा गलते हैं शाम के टाइम में। और सारी सब्जियाँ मैंने यहाँ पे कट कर ली थी, सिर्फ प्याज बाकी है, तो प्याज भी कट करके रख लेती हूँ क्योंकि इसमें प्याज बहुत मस्त होता है। और यहाँ पे मैंने बारीक गोभी, बीन्स, गाजर, मटर और कैप्सिकम, आलू, प्याज सारा काट लिया है, टमाटर वगैरह, मिर्ची, और थोड़ी सी मैंने ली है दही, और यहाँ पे तड़के के लिए थोड़ा मसाला, खड़ा मसाला ली हूँ। और उसके बाद मैं ये बिरयानी मसाला ली हूँ, और अब चलिए फिर बनाती हूँ। और यहाँ मैंने कढ़ाई चढ़ा दी है, और उसमें मैं डालूँगी थोड़ा सा ऑयल, थोड़ा नहीं थोड़ा ज़्यादा ही डालूँगी क्योंकि प्याज फ्राई करना है पूरा। और कोई भी ऑयल ले सकते हैं क्योंकि जब मैं खाना बनाती हूँ तो मस्टर्ड ऑयल ही, सॉरी सब्जी बनाती हूँ तो मस्टर्ड ऑयल ही बनाती हूँ, लेकिन ऐसी चीज़ जब बनाती हूँ तो ऐसे ऑयल में जो पूड़ी वगैरह तलती हूँ वैसे में बना सकते हैं अच्छे से, मस्टर्ड ऑयल में बिल्कुल अच्छा नहीं आएगा ये। तो उसके बाद मैं, तेल गर्म हो जाए तो उसके बाद मैं प्याज ज़्यादा काटी थी वो सारा डाल दी हूँ, और प्याज को एकदम ब्राउन होने तक भूनूँ। देखिए यहाँ पे मेरी भुन गई है, अब मैं इसको निकाल लूँगी, और फिर उसी पैन में जो प्याज वाला तेल रहेगा क्योंकि उसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है फिर, क्योंकि प्याज का उसमें अरग आ जाता है तो वो तेल अच्छा आता है। और फिर उसके बाद मेरी सारी वेजीज उसमें मैं डाल के हाफ़ कुक करूँगी, और नमक डाल दूँगी, उसके बाद मैं इसको ढक के हाफ़ कुक करूँगी और फिर उसको निकाल लूँगी। Thank you.
और जो एक्स्ट्रा ऑयल है उसको मैं निकाल लेती हूँ। थोड़ा सा मैं तड़का देने के लिए सिर्फ छोड़ूंगी, तो इसमें खड़े मसाले का मैं तड़का दे देती हूँ, जैसे जीरा है, दालचीनी है और तेजपत्ता, लौंग, काली मिर्च, ये सब का तड़का देने के बाद में इसमें खड़ी मिर्च जो मैं डाली हूँ वो डाल देती हूँ, थोड़ा सा जो मैं प्याज भुनी थी वो डाल देती हूँ, और इसके बाद मैं डाल दूँगी इसमें टमाटर। टमाटर के बाद मैं थोड़ा सा मसाला डालूँगी, ज़्यादा ज़्यादा नहीं डालना इसमें, धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर, नमक और गरम मसाला थोड़ा सा, और नमक जब सॉरी ये टमाटर जब मेरा एकदम घुल जाएगा, भुन जाएगा, तो उसके बाद मैं इसमें दही फेंट के डाल दूँगी। दही फेंट के डालते टाइम एकदम से आँच कम कर दीजिए, नहीं दही फट जाएगी, और उसके बाद फिर आँच को तेज़ करिए। तो यहाँ पे मैं दही डालने के बाद अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ, और मैं फ्लेम थोड़ा बढ़ा दूँगी, और उसके बाद मैं इसमें डालूँगी मटर, और फ्रोज़न मटर था वो, और सारी सब्जियाँ, और इसको मैं अब नमक डाल के थोड़े देर कुक होने दूँगी। तो अच्छे से ये कुक हो जाएगा और राइस भी मेरी पक गई है, तो उसके बाद मैं फिर कोडिंग करती हूँ इसका। और उसके बाद मैं यहाँ पे डालूँगी थोड़ा सा बिरयानी मसाला, और इसको मिक्स करने के बाद इसमें से हाफ मैं निकाल लूँगी किसी प्लेट में, और फिर कोडिंग करती हूँ। तो आगे देखिए मैं कैसे करती हूँ कोडिंग। और यहाँ पे मैंने आधी सब्जी निकाल ली है। अब मैं एक लेयर सब्जी का, एक लेयर चावल का, फिर थोड़ा जो प्याज मैं डाली हूँ वो बीच में, और फिर ऐसे ही आप लेयर लेयर बनाते जाइए, थोड़ा वेजीज और थोड़ा सा चावल, और बीच बीच में प्याज जो भुना हुआ है वो डाल दीजिए। और लेयरिंग करने के बाद में इसको 5 मिनट ढक दीजिए। 5 मिनट ढकने के बाद खोलेंगे तो ताकि सब्जी का जो भी फ्लेवर्स आ रहा है वो चावल में आ जाए, तो वो फिर खाने में बहुत टेस्टी आएगा। और यहाँ पे मेरा डिनर डन हो गया। इसके साथ थोड़ा रायता बनाते तो बहुत अच्छा आता, लेकिन यहाँ पे अभी बूंदी नहीं मेरे पास थी बेसन की, और खीरा था तो खीरे का रायता बनाती, तो रात में मुझे लगा नुकसान करेगा क्योंकि ठंडियाँ बहुत पड़ रही है, तो नहीं बनाई। वैसे ही बहुत टेस्टी आ रहा था, तो फिर यहाँ पे मैं कैंडल जला दी हूँ, क्योंकि वो मसाले वसाले की महक बहुत ज़्यादा रहती, क्योंकि यहाँ पे घर एकदम पैक होते हैं। उसके बाद मैंने सारा बर्तन क्लीन किया, जो भी प्लेट्स वगैरह थे, कढ़ाई वगैरह थी, और यहाँ पे अब मैं जा रही हूँ गैस क्लीन करने। फिर मुझे लगा आप लोग को दिखा भी दूँगी कि यहाँ पे गैस कैसे होते हैं, कैसे क्लीन करना होता है हम लोग को। तो सारा मैं प्लेट्स निकाल ली हूँ, उसके जितने भी कॉयल हैं बाहर निकाल ली हूँ, और ये स्प्रे डाल देती हूँ, इससे बहुत अच्छे से क्लीन हो जाता है। इसको पोंछना 2-3 बार पड़ता है, लेकिन फिर बहुत अच्छे से ऑयल वगैरह क्लीन हो जाता है। और सारी प्लेट्स भी मैं अलग से अच्छे से माँज लूँगी, क्योंकि चीज़ें गिरती हैं या फिर चाय वाय चढ़ाए हैं, चावल वावल जो भी चढ़ाते हैं उसका पानी वगैरह गिरता है, तो फिर वो अंदर ऐसे ही जम जाता है। तो रोज़ तो नहीं करना होता है, लेकिन जब कुछ गिरता है तो वो तुरंत करना पड़ता है, और अगर कुछ ऐसे गिरा नहीं है तो फिर मैं दूसरे तीसरे इसको क्लीन करते रहती हूँ। और इसके नीचे ही ओवन होता है, इसलिए ऐसे प्लेट नीचे बना के रखते हैं, क्योंकि अगर गिरेगा तो डायरेक्ट सीधे ओवन में चला जाएगा, तो इसलिए नीचे ऐसे एक प्लेट की तरह होता है, आप गैस को उठा के नीचे से क्लीन कर सकते हैं, जो भी गिरेगा वहीं पे गिरेगा। और अच्छे से मैं अब ये सबको क्लीन कर देती हूँ, फिर कैसे फ़िक्स करते हैं आगे मैं दिखाऊंगी कि कैसे फ़िक्स करते हैं फिर यहाँ पे गैस। पहले जब मैं यहाँ आई थी तो मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था किसी भी चीज़ का कि कैसे क्या होता था, बहुत डर डर के चीज़ें यूज़ करती थी, क्योंकि यहाँ पे जो घर होते हैं वो भी उड़े नहीं होते हैं, पूरी लकड़ी के घर होते हैं, तो मुझे बहुत डर लगता था कि कुछ ऐसे हो गया तो मैं क्या करूँगी। तब वर्क फ्रॉम होम भी नहीं था, इनको ऑफिस रहता था, तो बहुत ज़्यादा मैं कुछ नहीं करती थी, बस खाना वाना बना के ये सब क्लीनिंग का काम ये ऑफिस से रात में आते थे तभी मैं करती थी, लेकिन अब तो यूज़ टू हो गई हूँ। तो देखिए फिर ऐसा ही होल होता है, और
उसमें फ़िक्स कर देना होता है। और ये कॉइल को मैं कभी पानी से नहीं धोती हूँ क्योंकि मुझे लगता है ख़राब वगैरह हो जाता है, और रेंटेड अपार्टमेंट है तो फिर ऐसे ही मैं उसको ऐसे पोछे की तरह पोछ देती हूँ सिर्फ। और अब आ गई हूँ रूम में, क्योंकि इतना क्लीनिंग व्लिंग करने के बाद में हाथ एकदम ड्राई हो जाता है, और वैसे भी यहाँ विंटर बहुत हो गई है और दिन भर पूरे घर में हीटर चलते रहते हैं तो बहुत स्किन ड्राई हो जाती है, फेस वगैरह बहुत ड्राई। 2-3 बार क्रीम लगाते रहो तो जाके ठीक रहता है। तो यहाँ पे मेरा सारा काम वगैरह डन हो गया है, खाना किचन बर्तन सारा सब कुछ मैंने क्लीन करके बैठ रही हूँ, क्योंकि अब हाथ पे क्रीम वगैरह लगा ली हूँ तो मैं कुछ भी नहीं करूँगी, नहीं तो फिर से मुझे लगा के सोना होगा। तो अभी नींद तो आएगी नहीं क्योंकि बहुत जल्द खाना वगैरह हो जाता है, 8:30-9 बजे के करीब हो रहा है, और क्योंकि विंटर है तो फिर जल्दी शाम होती है तो खाना वगैरह भी जल्दी हो जाता है और इतने जल्दी सोते नहीं हम लोग। तो वही मैं यहाँ पे मॉनिटर पे बैठी हूँ, कुछ कुछ अपना वीडियो का काम करूँगी, अपना यूट्यूब देखूँगी। तो आज के वीडियो के लिए बस इतना ही, आई होप आप लोग को वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए अपनी फ्रेंड्स और फैमिली के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि नया वीडियो मैं डालूँ तो आप लोग को नोटिफिकेशन मिल सके।